तुम अच्छा सही से क्यों नहीं बनाते हो? आज तुमको घर नहीं जाने देंगे, फिर हम फ़ोन कर देंगे, कह देंगे इनको कि लेने मत आना, यहीं रुकोगे, फिर पूरी रात तुम पढ़ाई करोगे, मेरे पास रहोगे, खाना देंगे, खाना खा लेना, यहीं लोगे, मम्मी के पास नहीं जाना है, ठीक है? इनकी मम्मी भी आएंगे तो बाहर से लौटा देना, ठीक है? हाँ, आज तुम यहीं रुको, हम फ़ोन कर दें मम्मी के पास, फ़ोन भी कर दिया, तुमको लेने नहीं आएंगी मम्मी, कहें कि रात भर इनको पढ़ाओ, आज यहीं रखो, तुम पढ़ाई करते नहीं हो, रोज़ कहते हैं अच्छे से साफ साफ बनाया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात पड़ती ही नहीं है कि अच्छे सही से बनाए। तुमको अपनी बारात लेके जानी है, जल्दी काम कर देते हो फटाफट बिना राइटिंग के, जल्दी करो लेकिन अक्षर भी तो सही से बनाओ, मम्मी आएंगी नहीं आज, तुमको आज पूरी रात पढ़ाई करवाएंगे, रोने का कोई मतलब ही नहीं है, खाना भी तुमको हम देंगे, पानी भी देंगे, लेकिन घर नहीं जाने देंगे, खाना पानी खा लो फिर से पढ़ाई करो, घर तुमको नहीं जाना है, ठीक है? जाओगे घर? घर जाओगे? तो पढ़ाई तो करते नहीं हो तो घर क्या करने जाओगे? बोलो, घर नहीं जाना, यहीं रहो। रो रहे हो? जब कहते हैं लेटर अच्छे से बनाया करो तो रोने का कोई मतलब ही नहीं है, बस तुमको आज हमारे पास रहना, पूरी रात पढ़ाई करनी, खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, सोने को भी देंगे, लेकिन तुम घर नहीं जाओगे आज, तुमको यहीं बैठ के पढ़ाई करनी है, घर नहीं जाओगे आज तुम, ठीक है? जाओगे घर? घर जाओगे? कल्लन करके आओगे अच्छे से? मुँह से बोलो, तेज बोलो, कह तो लन करके आएंगे, तेज बोलो, साफ बोलो, लन करके आएंगे, कह दो जितना आपने बताया सब याद करके आएंगे, बोलो आएंगे, तेज बोलो, जितना आपने बताया है उतना याद करके आएंगे, तेज बोलो, तेज बोलो, बोलो, आओगे ना याद करके? प्रॉमिस करो, कह दो याद करके आएंगे, चलो ठीक है, अभी मम्मी को पास फ़ोन करें, अभी आ रही हैं, ठीक है? और घर जाना, थोड़ा खेलना, पढ़ाई करना, ठीक? जा बैठे जाकर।